तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता, मैं राजस्थान में लॉकडाउन हट चुका है और इतने दिनों से हम घूमने नहीं जा रहे थे। तो आज मैंने डिसाइड किया मम्मी और मैंने कि आज से हम वापस इवनिंग वॉक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मास्क पहन लिया और हम जिस जगह जा रहे हैं दोस्तों, इतनी सुंदर है, आपको भी दिखाऊंगा। वो जंगल टाइप जगह और वो नहर, तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं दोस्तों आज। देखिए दोस्तों, हमने धन्नो को पकड़ लिया रास्ते में। किधर जा रही है धन्नो? तू घर वालों को छोड़ के? ये देख लिए दोस्तों, हमने रास्ते में धन्नो को रेड हैंडेड पकड़ा है। ये जा रही है सब्जी मंडी की तरफ, बच्ची कुछ ही सब्जियाँ खा के वापस आ जाएगी दोस्तों। ये देख लो, हमने धन्नो को पकड़ लिया दोस्तों। अब धन्नो भी आ जाएगी ये। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये हमारे एरिया का होली फैमिली हॉस्पिटल। ये बिल्कुल एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है दोस्तों पूरे विश्व का जो सबसे साफ सुथरा और सबसे शांत हॉस्पिटल है। मम्मी ने जामुन पे नज़र मारी है दोस्तों, रास्ते में जामुन वाला दिख गया तो जामुन खरीद रही मम्मी। धन्नो की तरह पकड़ लिया दोस्तों हमने पापा को रास्ते में। रेंट में दे दूंगी, मेरे पास है 200 रुपये। कुल्ले का चक्कर पड़ रहा। अरे कुल्ले का दम कर लो और क्या। पापा को दे दी क्या आपने जामुन भी? हैं? पापा को दे दी क्या आपने जामुन? दे दी, यहाँ क्या धोखे खाएंगे दोस्तों। आपको एक बात बताता हूँ जी, सामने मेरे साइड में एक नहर है, वो नहर में आपको दिखाऊंगा। मम्मी है ना, एक टैलेंट कर सकती है आपके सामने। ये जो नहर दिख रही है, दिखा क्या तुम? ये देखिए नहर की चौड़ाई कितनी है। इस नहर से दोस्तों मम्मी इधर से कूदेगी और उधर कूद सकती है डायरेक्ट, इतना टैलेंट है मम्मी में। हिंदे मम्मी और नहीं, आप में टैलेंट, कल कूद के दिखा रही थी आप मेरे को। नहर कूद जाऊंगी और कूद भी गई थी। नहर में कूद जाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों थेकड़ा की तरफ और वहां से वो ब्रिज और वो रिवर जिसके ऊपर से पहले हम रूई फिल्म देखने गए थे ना, तो हम बाय रोड गए थे। अभी हम आपको बाय जंगल दिखा रहे हैं जाके, और इधर घूमने लायक जगह सिर्फ यही है, इसलिए हम इधर ही आते हैं दोस्तों घूमने। और ये पूरी आम के बगीचे बगीचे हैं जो लास्ट तक आपके बगीचे दिखेंगे। पहले यहाँ पर पूरा जंगल था, आम के पेड़ वेड़ सब थे, बट उसको तुड़वा तुड़वा के और ये पूरा जंगल ख़त्म होके देखो अब यहाँ देवांशी सिटी बन गई है। जिस जगह पर अभी हम घूमने जा रहे हैं, ऐसी जगह थी ये पहले जो पीछे आप देख रहे हो मेरे। कभी कभार लगता है दोस्तों ज़्यादा डेवलपमेंट भी सही नहीं है, नेचुरल जगह भी छिन जाती है हमसे। मैंने ये कड़ी पत्ता समझ के तोड़ लिया था, मेरे हाथ में कांटे ही कांटे लग गए थे, जबकि कड़ी पत्ता नहीं है, जंगली पेड़ था। अरे बारे, ये देखो यहाँ से कितना अच्छा लगता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा व्यू अच्छा स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। फार्म है देखो, ये कितना सुंदर था, देखो पूरा खेत ही खेत है वहाँ तक। हम जिस जगह जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर कम से कम 6 किलोमीटर है, 3 किलो आना और 3 किलो जाना। हाँ, और मेरे मोबाइल में जो खराबी आ रखी है दोस्तों, वो ब्लर की सिस्टम है, मतलब मैं आपको दूर का ज़्यादा फोकस करके नहीं दिखा सकता। मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। ये गोंदी का पेड़ है दोस्तों, इसका मम्मी ने अभी अचार डाला है कहीं पे। देख ये देखो, कच्चा है तो इसका अचार डलता है, और पक्का हम पहले बचपन में इसे फोड़ फोड़ के गोंदी खाते थे। इतनी सारी है तो इसके 3-4 नाम है दोस्तों, लहसुआ, लसोड़ा, गोंदी, जो भी चाय खे सकते हैं। ये जगह देखो दोस्तों आप कितनी सुंदर है ना, ये देखो पूरा जंगल आ चुका है दोस्तों, यहाँ जंगल ही जंगल है। सोचिए आदमी खड़ा है कोई ऊपर, नहीं आदमी जो हमारे स्कूल की ड्रेस पहन के खड़ा ही है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसी स्कूल की ड्रेस पहन के ये पुतला खड़ा है ऊपर केरी के पेड़ पर। देखो सिर्फ स्कूल पहना रखी है, हमारे स्कूल की ड्रेस पहना रखी है उसको। एक बार मॉर्निंग वॉक में मेरा भाई का लड़का आ रहा था इंदौर से, टहलने के बहाने इसी रोड पे जा रहे थे घूमने, यूं करके उस पेड़ पे बहुत सारी केरियां लदी हुई थी। मेरे भतीजे ने बोला बुआ मैं आपके लिए केरी तोड़ता, मैंने तोड़ दे या कौन है तोड़ ले, उसने एक भाटा दिया उससे केरी टूटी नहीं। मैंने बोला तेरे से नहीं टूटी, एक भाटा मैं देती हूँ। मैंने दिया एक भाटा, उसमें 4 केरी पट पट उधर से लट लेके सामने उधर भी दिखा उधर से लट लेके एक आदमी आया और यहाँ यही है दोस्तों पेड़ जो आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर ये केरियाँ तोड़ रहे थे। गर्म माहौल हो गया था दोस्तों केरी तोड़ने के चक्कर में, इसलिए किसी की बाकी केरी उसकी परमिशन के बिना ना तोड़े। अरे पर दोस्तों मजा आता है ऐसे जंगल में, तो केरी तोड़ के खाने में मजा आता है, ऐसे तो कोई नहीं खाता है। इंसानों को चोटापंती करने में मजा ही आता है। और दोस्तों आपको ये जगह दिख रही है, ये रोज रात को मेरे सपने में आती कि मैं यहाँ पर कहीं बैठा हूँ और एक चुड़ैल मेरे पास आ रही है मेरे को पकड़ने के लिए। ये कि यही सपना आती जब मैं घूमने आता हूँ तो इस जगह का आता है मुझे दोस्तों सपना। अब देखो यहाँ से पूरा जंगल के बीच में से हम निकल रहे हैं, पहले क्या पूरा बोरखेड़ा जंगल ही था दोस्तों, फिर रोड काट दी दोस्तों, नहर काट दी, रोड काट दी, पूरा जंगल ही था पहले आम के पेड़। आज भी देखो ये तो बहुत पुराने पुराने पेड़ है दोस्तों, पेड़ों की देखो जड़े नीचे आने लग गई, इतना पुराना पेड़ है, कितना पुराना पेड़ देखो। स्वास्थ्य दिखा, चुड़ैल ने पकड़ लिया था मेरे को, नहीं पकड़ेगा। देखो दोस्तों देखो, आम का पेड़ है, जड़ भी छोड़ दी है, इतना पुराना पेड़ है। रात में सोच लो आप कि आप यहाँ पर बैठे हो इसकी जड़ के पास और एक चुड़ैल आपके साथ बैठी है। थक गई, देखो मम्मी थक गई दोस्तों। नहीं थकी। ये कौन बोला फिर? मोर बोला। मोर नहीं, मैं बोला। तू बोला।
दोस्तों मैं थकने वालों में से नहीं हूँ क्योंकि मेरी आदत पड़ रही है, कम से कम रोज जाती थी मैं 6 किलोमीटर। तो पग भी आ रहे हैं वहाँ, वो देखो देखो रहा पग, वो पग डोगी रहा, कितना प्यारा है देखो, चलो देख रहा कितना प्यारा है ये भी छोटू सा गुल्लू गुल्लू, बहुत प्यारा है, हंस रहा है देखो ना, माला फटक पे ना। और अब भैया एक मैंने उसको बोला बस, और अब भैया उसने जैसा भोगना शुरू करा तो मेरा जीना आराम करता है रोड पे, शर्म और आने लगी दुनिया में को देखने लगे कि उसको क्यों भूख रहा है। गट्टूड़ी ना उसको ले आऊँ यहाँ तो ऐसा भगा है सबको, भगो यहाँ से। मम्मी इस नहर में देख रही है अभी तो नहीं उंडी जाता, दिख रहा कचरा, कचरा तो दिख रहा है गंदी बहुत गई है। दोस्तों मुझे गट्टू की याद आने लगी जोर की, भूख लगती है ऐसे मुझे बहुत जोर की याद आ रही है उसके। कुछ जाओ उस गड्ढे में जल्दी, याद आ रही है तो मस्त बना रखा है ये सुंदर सा, देखो कितना सुंदर है। लेकिन यहाँ पर ही खाना खाने आएंगे, नेचुरल जगह में बना रखा है ये, यहाँ पूरे पेड़ थे दोस्तों और देखो आज यहाँ की स्थिति क्या हो गई है, पूरा जंगल काट दिया दोस्तों, इतना सुंदर लगता था ये नज़ारा, आज इसको भी उजाड़ दिया और एक टाइम बाद देखना ये भी पूरी कॉलोनी बन जाएगी, बिल्डिंग बनेगी लगता है यहाँ गड्ढे में। देखो दोस्तों यहाँ से इन्विटेशन आया था गट्टूड़ी के लिए क्योंकि यहाँ पर एक लेबराडोर फीमेल लाए थे और उसके साथ क्रॉस कराना था, गट्टूड़ी राजी हो गया था लेकिन मैंने मना किया, नहीं बेटा थोड़ा अभी जवान हो उसके बाद तेरी यहाँ पर मीटिंग करवाएंगे। तो गट्टूड़ी के लिए जो रिश्ता आया था दोस्तों पहला वो इधर से आया था, तो उधर से गए थे फिर यूँ घूम के यूँ आ रहे हैं, पूरा कमर पे हाथ आ गया मम्मी के, भूख लग रही है मुझे बहुत जोर की। नहीं पापा आए भी तो बहुत दिनों, मैंने यार बहुत दिनों बाद आया और फिर ना क्या है कि दूर भी आज बहुत घूम ली, 7 किलोमीटर बहुत होता है। हाँ आज ज़्यादा घूमे दोस्तों और प्यास भी मेरे को बहुत भयंकर लग रही है पानी की, खतरनाक वाली। ये आ गए दोस्तों हम अपने घर पे, लाइट जला दो अंधेरा बहुत रखा है, लो हाँ भूख मत आ ले भूख रहा है दोस्तों अंदर ही अंदर। ये पता कर रहा मैं पग से लाड़ करके आया ना, पगचे मिल के आया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत कमर दुख रही है क्योंकि इतने दिनों बाद गए थे ना दोस्तों, अब 4 गिलास पानी पीऊंगा और बस इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करना, कमेंट में बात जरूर करना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं आपके, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना प्लीज़। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में।